नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। बिहार के भ्रष्ट शिक्षा को लेकर छात्रों द्वारा प्रदर्शन। नमस्कार, खबर बिहार से। आरा बाबू वीर सिंह कुंवर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। विश्वविद्यालय आरा बाबू वीर सिंह कुंवर कॉलेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार छात्रों द्वारा नारेबाजी की जा रही है व धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि छात्र एवं छात्र नेता इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की सिस्टम को किस प्रकार का आरोप दिया जा रहा है। क्या बिहार में शिक्षा का स्तर बाबू वीर सिंह कुंवर विश्वविद्यालय की स्थिति सुधरेगी या फिर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा? क्या छात्रों की मांग पूरी होगी या शिक्षा विभाग पर एक सवालिया निशान लगेगा? आरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। है छात्रों का जी पूरा तरह से विश्वविद्यालय में सिर्फ घोटाला हो रहा है। कुलपति महोदय सोए हुए हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस छात्र परेशान हो रहे हैं। कितना भी हम लोग आगवत कराते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, लेकिन वो आँख में पट्टी बांध के सोए रहते हैं। उनको भी पैसा मिलता है वहाँ से, उनको भी पैसा मिलता है। जितने भी यहाँ के पदाधिकारी है सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं। समस्या यही है कि हम लोग जब जा रहे हैं हम लोग का जैसे पार्ट वन में प्रमोटेड हो गया है, तो पहले तो पास आया था यही रिजल्ट इसी यूनिवर्सिटी का। तो हम लोग का कहने का मतलब है बार बार आप लोग ऐसे ही करिएगा, कब रिजल्ट निकालिएगा, कब क्या करिएगा, हम लोग को कुछ सूचना देना चाहिए ना ऑनलाइन। आर भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण कुमार, आप सभी का स्वागत करते हैं आर भारत टीवी न्यूज में। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आरा में हम लोग उपस्थित हुए हैं, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में हम लोग उपस्थित हुए हैं, आरा यूनिवर्सिटी यानी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में। जो कि यहाँ पर जानने के प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र जो एकजुट हुई है, इस जनसंख्या इतना जुटने की वजह क्या है, रीजन क्या है, लोगों का प्रॉब्लम और परेशानी क्या है, हमारे छात्र के जो यहाँ पर जुटे हुए हैं समझाने का प्रयास करूँगा। भैया आपका नाम क्या है? मौसमी महमूद। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया हुआ है वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा में, आप लोगों का समस्या क्या है, किस समस्या के लेकर आप लोग यहाँ पर आरा में एकजुट हुए हैं? क्योंकि हम लोग का रिजल्ट का सुधार नहीं हो रहा है जी, और हम लोग आवेदन दे चुके हैं, जमा कर चुके हैं, उसके बाद भी सुधार नहीं किया जा रहा है। यानी आप लोग प्रॉब्लम ये है, काम देने के बाद किसी का पेंडिंग बता रहा है, किसी का नंबर नहीं चढ़ा हुआ है। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ के वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा कुमार तिवारी जी से जानने का प्रयास करूंगा। कुलपति शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जो यहाँ पर आप लोग धरना रखे हुए हैं, आप लोग का क्या समस्या और क्या मुद्दा है? आप लोग देखिए, छात्र के लिए धरना हो रहा है विश्वविद्यालय के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे छात्र जगह मनु यादव है, एसपी कॉलेज के अध्यक्ष प्रियांशु कुशवाहा, हम पूर्व विश्वविद्यालय कार्यकारी अध्यक्ष है। हम लोग नेतृत्व में यहाँ पे धरना छात्र हित में किया जा रहा है कि छात्रों को बहुत ज़्यादा मात्रा में त्रुटि कर दिया गया, रिजल्ट में फॉर्म भरना नहीं दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन बोल दिया कि रद्द कर दिया गया। भाई, किसी भी रजिस्ट्रेशन का 5 साल वैल्यू होता है, तो आप क्यों रद्द कर दीजिएगा? जानबूझ के ऑब्सेंटी किया जा रहा है और विश्वविद्यालय का अवैध वसूली किया जा रहा है, जानबूझ के ऑब्सेंटी किया जा रहा है ताकि छात्रों से पैसा वसूली किया जाए बुलाकर। तमाम तरह के मुद्दे हैं, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है,
जो छात्र लोग इस सबको ध्यान में रखते हुए छात्र डेली विश्वविद्यालय में आते हैं, रोते हुए जाते हैं। जो छात्र हमसे बहुत छात्र ने कंप्लेन किया है सर कि भैया देखिए ऐसे ऐसे बात है, आप देखिए सब छात्र इतने कुछ कीजिए। हमने छात्रों के लिए, छात्र हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके लिए हम लोग छात्र धरना प्रदर्शन करने का काम किया है और तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इसको कभी हमारे मुद्दे मांगा को पूरा नहीं कर देते हैं। आप भूख की समस्या को लेकर यहाँ पर सर आप लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। देखिए विश्वविद्यालय की जो स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, ये इस जिले में रहने वाले उन छात्रों के अध्यापकों से छुपी हुई है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय के में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आए दिन यहाँ के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रिजल्ट में इतनी ज्यादा गड़बड़ी की जा रही है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, जो भी छात्र से जुड़ा हुआ स्थिति है, जुड़ा हुआ मैटर है, चाहे वो रिजल्ट त्रुटि का हो, रजिस्ट्रेशन सुधार का हो या नामांकन का हो, सब घोटाला ही घोटाला हो रहा है। दलालों के चक्कर में विश्वविद्यालय पहुंच चुका है। यहाँ के पदाधिकारी आए दिन दलालों के साथ बैठकर छात्रों के साथ रंजिश कर रहे हैं, जिसके वजह से छात्र कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को। मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ ये आए दिन खिलवाड़ करते रहते हैं, मजाक बनाकर रखे हुए हैं। कोई ऐसा छात्र नहीं है जो विश्वविद्यालय के चारों जिलों शाहबाद के कोने कोने से उठकर नहीं आए हुए हैं और इनके साथ मजाक और इनके साथ रिजल्ट सुधार के नाम पे, रिजल्ट त्रुटि के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है। शर्म आना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को जो अपने इस कैंपस में बैठ करके सुन रहे हैं और मुंह देखोवल काम कर रहे हैं। हमारी छात्र संगठन छात्र जनता दल यू हमेशा छात्र हित के मांगों को लेकर के छात्रों के साथ खड़ी रही है और हम लोग इस बार आज के आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं मांग करता हूं, मेरे छात्र संगठन मांग करती है कि विश्वविद्यालय के माननीय कुल छात्रों का पूरा तरह से विश्वविद्यालय में सिर्फ घोटाला हो रहा है, कुलपति महोदय सोए हुए हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस छात्र परेशान हो रहे हैं। कुलपति शर्म करो, हम लोग किस समस्या के लेकर यहाँ पर धरना दिए? हम लोग यहाँ धरना दिए छात्रों के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा त्रुटि है। हमारे जो कुलपति महोदय है, चाहे जो परीक्षा नियंत्रक है, इन लोग से लगातार छात्र मिल रहे हैं, अपनी समस्या का अवगत करा रहे हैं, लेकिन इन लोग का कोई ध्यान नहीं है। इन लोगों को बस पैसा और दलाली से मतलब है। विश्वविद्यालय में दलाली होना चाहिए, जो कंप्यूटर सेंटर शाखा है वहाँ पर जो काम करने वाले लोग उनको पैसा मिलना चाहिए। अनवर इमाम को वहाँ से पैसा वहाँ जाता है, माने पैसा का यहाँ खेल है और कोई चीज़ का जरूरत नहीं है। यहाँ पढ़ाई शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिस्टम से सारा खिलवाड़ हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन सोई हुई है। कुलपति महोदय को कितना भी हम लोग अवगत कराते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, लेकिन वो आँख में पट्टी बांध के सोए रहते हैं। उनको भी पैसा मिलता है वहाँ से, उनको भी पैसा मिलता है। जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं, सारे लोग सोए हुए हैं। छात्र के भविष्य से खिलवाड़ हो किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप लोग यहाँ पर धरना जो प्रदर्शन किए हैं, आप लोग का समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या यही है कि हम लोग जब जा रहे हैं, हम लोग का जैसे पार्ट वन में प्रमोटेड हो गया है, तो पहले तो पास आया था यही रिजल्ट इसी यूनिवर्सिटी का। तो हम लोग का कहने का मतलब है, बार बार आप लोग ऐसे ही करिएगा, कब रिजल्ट निकालिएगा, कब क्या करिएगा, हम लोग को कुछ सूचना देना चाहिए ना। ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं देते हैं और दूसरा बार रिजल्ट निकाल के हम लोग को प्रमोटेड करते रहे और फिर बोल रहे हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये कहाँ का नियम है। तो उसमें पास दूसरे बार आता है तो यही हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। थैंक यू। आप लोग देखिए कि काफ़ी यहाँ पर जनसंख्या छात्रों का यहाँ पर जुटी हुई है, तो आप लोग सुने बारी बारी से हमारे छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी आप लोग सुने यहाँ पर बयान, जो काफ़ी समस्या से झेल रही हैं, जो कि छात्र ऐसे ऐसे कितने हैं कि जो कि एग्ज़ाम पाँचों विषय के दिया है और प्लस में उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, सफा रिजल्ट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। कितने ऐसे छात्र हैं कि जो टोटल विषय के एग्ज़ाम दिए हैं और उनका एब्सेंट दिखा रहा है। कहीं कोई छात्र का ये भी समस्या है कि एक दो नंबर से उसको फेल कर दिया गया है। तो काफ़ी ऐसे यूनिवर्सिटी का, हमारे वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का काफ़ी यहाँ पर छात्र
चक्कर लगाते फिरते हैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से कॉलेज, यहाँ पर काफ़ी समस्या से हमारे परेशान हो गए हैं, तंग हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी तक उनका समस्या निदान नहीं किया गया। तो मैं यही सरकार से अपील और दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द हमारे इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लेते हुए और सभी छात्रों का भविष्य खिलवाड़ ना करें और सही से सही रिजल्ट का जाँच किया जाए, फिर से उन लोग का रिजल्ट घोषित किया जाए। मैं यही हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी आर भारत टीवी के चीफ रिपोर्टर आर के सिंह जी को और साथ ही साथ रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी को, और आप सभी इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी।